अली मीडिया एंड स्टूडियो सिटी प्रोडक्शन के इश्तराक से रंगारंग टॉप 10 अवार्ड शो पेश किया गया। तकरीब के आगाज से कबल तमाम मेहमानों की आमद पर उनका इस्तकबाल किया गया और उन पर गुलपाशी की गई। रंगो भरी इस शाम में गुलूकार सुरेश कुमार, सुमेरा शेख, सोनिया खान, लुबना खान, आबदा हुसैन, शाजिया बाबू, जफर शेख समेत दीगर फनकारों ने अपने फन का मुजाहरा करके शायकीन से खूब दाद वसूल की। इस प्रोग्राम के चीफ ऑर्गेनाइजर अली बलोच थे, जबकि मेहमान ग्रामी में सीनियर साफी सुहेल आशमी, सोशल वर्कर खतीजा इकबाल, मारूफ बिल्डर मोहम्मद एजाज ताज, प्रेसिडेंट ट्रांस राइम्स अलायंस की सभा गुल डॉक्टर नदीम महमूद अली खेरल, हिनागुल अब्दुल खालिक अंसारी, अदनानुल हक और नवीद अहमद शामिल थे। टॉप 10 अवार्ड शो में शरीक फनकारों ने शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा करके समा बांध दिया। आखिर में नुमाया कारकर्दगी पर मुख्तलिफ शख्सियात और फनकारों में अवार्ड तकसीम किए गए। इस मौके पर खिताब करते हुए सीनियर साफी सुहेल आशमी ने कहा, इस तकरीब में जो वाई साहब कराची ने रखी थी, मेरा बेटा वाई साहब कराची सुरेश कुमार इंगो प्यार अली बलोच की मोहब्बत में और सुरेश कुमार की जो यहाँ फनी खदमात है कराची में उसके एहतराम में मुनक़िद करने का फैसला किया था। लेकिन मुझसे पहले अली बलोच औलाद हमेशा माँ बाप से आगे चलती है, आज की औलाद आगे चल गया और इसने मुझे इंतजाम करने का मौका ही नहीं दिया, बल्कि मुझे आके बोला कि आपके बेटे सुरेश कुमार के लिए ताजपोशी का और मोहतरमा खदीजा इकबाल के ताजपोशी का मैंने इंतजाम कर लिया है, आप तशरीफ लाए। मैं खुद हैरान रह गया कि क्या हुआ। अब इस तकरीब में अगर लाहौर से सबा गुल जैसी शख्सियत आ सकती है तो कराची वाले कहाँ हैं? भाई साहब कराची वालों के लिए, सुरेश के लिए, अली बलोच के लिए, मेरे बच्चे के लिए सोचने का मरहला है। हम सब आ गए, सबागुल लाहौर से आ गए। सबागुल का नाम हल्का नहीं है। सबागुल जिस तरह ना भाई साहब कराची की हमारी वाइस चेयरमैन मोहतरमा इस्लामाबाद से तशरीफ ले आई, इस तरह यहाँ खदीजा इकबाल भी एक साल में 24 बेटियों की शादी करवा चुकी है। तो अब सबागुल का यहाँ आना तो बहुत ही खुशी की बात हो गया भाई, यानी इस्लामाबाद और कराची का कम्युनिकेशन कायम हो रहा है भाई। तो इंशाअल्लाह ताला कराची में इस वक्त में आपके जहेज ना होने की वजह से अपने घरों में बैठ रहे हैं। खदीजा इकबाल उनके लिए मेहनत कर रही है, मैं जैसा भी हूँ उनके लिए मेहनत कर रहा हूँ, सुरेश कुमार फन के शोबे में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। अब ये सुरेश कुमार इस वक्त तो जहेज नहीं करा, लेकिन सुरेश कुमार ने इस समाजरे की दुखी इंसानियत की खिदमत करने वालों को एक जगह जमा करने की कोशिश की।
सोशल वर्कर सबागुल ने कहा, मैंने लिखा है अल्लाह की गाड़ी खिदमत की, एक मस्जिद थी उस मस्जिद में खादमगिरी करती थी, उसके बाद धीरे धीरे हैदराबाद से मैं इस्लामाबाद आई, वहाँ से राष्ट्रवासी हुई, फिर धीरे धीरे मैंने अपने चार सदर कमेटी को देखा, अपने मुक्के मुक्के मारते हुए लोग तंजिया कर रहे थे, जबर का निशाना बना रहे थे, कुछ ऐसे मामला थे यानी कि मुझसे वो चीज़ें देखी नहीं जाती थी, क्योंकि वो मेरे जैसे थे, मैं उन जैसी थी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद मोहतरमा जो है मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो जिंदगी भर मैंने कोई फंक्शन नहीं किया, कोई नाची नहीं, कोई ऐसा अलग वगैरह काम नहीं किया,